हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि ऑनलाइन पैन कार्ड हमें फॉर्म भरने के लिए क्या करना होती है। हम सबसे पहले इसका प्रिंट निकाल लेना है। अभी तो मैं इसी पे बता रहा हूँ सिंपली, है ना। हमें पहले तो हमें इसका प्रिंट निकाल देना है। प्रिंट निकालने के बाद में एक ब्लैक ब्लैक पेन से हमें इसे फिलअप करना है। तो आइए देख लेते हैं कैसे फिलअप करना है हमें, ठीक है। यहाँ सिंपली हमें जो साइज यहाँ पे लिखा हुआ है उसी साइज में दो फोटो चिपका देना है यहाँ पे, ठीक है। एक फ़ोटो यहाँ चिपकाएंगे और एक फ़ोटो यहीं पे चिपका देंगे। यहाँ चिपकाने के बाद में यहाँ पे सिग्नेचर कराना होती है, ठीक है। या और यहाँ पे हम हमारे यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट का जो भी एरिया कोड होता है वो एरिया कोड डलेगा। वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है कि ज़िले बाई ज़िले रहता है एरिया कोड, ठीक है। उसमें डिस्ट्रिक्ट जहाँ डाल के भी हम सर्च कर सकते थे, ठीक है। और एरिया कोड डालने के बाद में जैसे असेंबली में डाल लेता हूँ, जैसे कि मान लो 22 और W07 जो भी है, मतलब ये तो मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ ओनली, है ना। तो और फिर यहाँ पे डलेगा वो श्री, क्या लिखते हैं, श्री है या श्रीमती हैं या कुमारी हैं या मिसेज हैं, जो भी हैं उनका हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में टिक मार्क करना होती है। टिक मार्क करने के बाद में हमें उनका लास्ट नेम यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे हम उनका लास्ट नेम लिख लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे, ठीक है। और मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमें उनका पूरा नाम लिखना है, सब मिला के, यहाँ के जैसे कि लास्ट नेम फर्स्ट नेम सभी मिला के सीधा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पे हम सिलेक्ट कर यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क में हम क्वेश्चन टिक मार्क लगाते हैं, मेल है या फीमेल है, ठीक है। जेंट्स के लिए मेल होता है और फीमेल के लिए, लेडीज़ के लिए फीमेल होता है, ठीक है। अगर मेल है तो हम इस पर क्वेश्चन मार्क करेंगे और यहाँ पे उनके हम डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। जैसे कि मान लो 1/1/1900 जो भी है ना। फिर सिंपली हमें नीचे आना है, फादर नेम पे क्लिक करेंगे। फादर नेम पे चेक मार्क लगाने के बाद में हम उनके फादर का लास्ट नेम लिखेंगे। यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे, यहाँ हम उनका फर्स्ट नेम लिखेंगे। फर्स्ट नेम लिखने के बाद में यहाँ पे हमें उनका हाउस नंबर डालना है और यहाँ पे हम उनका डालेंगे विलेज नेम, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। उनका एरिया लोकेशन जो भी है, डिवीज़न सब डिवीज़न डालना है और सब डिवीज़न में हम अपना डिस्ट्रिक्ट नेम भी डाल सकते हैं। टाउन सिटी या डिस्ट्रिक्ट जो भी है यहाँ पे हम उनका डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे और यहाँ पे स्टेट डालेंगे, पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे। पिन कोड लिखने के बाद में यहाँ हम उनके कंट्री का नेम लिखेंगे, जैसे इंडिया है या कहना चाहिए और भी कोई कंट्री, अदरवाइज कंट्री है तो वो भी हम फिलअप करेंगे, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, ये वाला कॉलम जो है हमें ब्लैंक छोड़ देना है, ये ब्लॉन्ग रहेगा। हमें यहाँ चेक मार्क लगाना है रेसिडेंसी पे और यहाँ हम कंट्री कोड लिखेंगे, जैसे कि 91, ठीक है। 91 लिखने के बाद में यहाँ पे उन जो भी एप्लीकेशन मोबाइल नंबर डालेंगे, उनकी ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे। ईमेल आईडी उनकी अगर नहीं है तो हम अपनी भी डाल सकते हैं, ठीक है, जिस पे पैन कार्ड रिसीव हो सके, है ना। फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये वाला फॉर्म जो है, ये वाला कॉलम हमें इसमें इंडिविजुअल हमें यहाँ पे चेक मार्क लगाना है। चेक मार्क लगाने के बाद में स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पे उनका आधार नंबर हमें डालना है,
ये कंपलसरी है, डालना ही डालना है, ठीक है। और यहाँ पे आधार प्रिंट पे, आधार पे जो भी उनका नाम प्रिंट है वो नाम हमें यहाँ फिलअप करना है। आधार से अलग जो भी कोई नाम होगा तो वो हमें यहाँ नहीं डालना है, ओनली आधार पे प्रिंट ही नाम डालना है, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद में यहाँ पे इनकम नो इनकम सेलेक्ट करेंगे। उनका जैसा भी इनकम है उस हिसाब से, जैसे मान लो सैलरी है, सैलरी आती है, या मतलब इनकम जैसी इनकम, हम यहाँ पे नो इनकम सेलेक्ट करेंगे। नो इनकम सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करने ये वाला कॉलम जो है ऑफिस एड्रेस, जो 18 साल से कम उनका जिनका पैन हमें जनरेट करवाना है उनके लिए ये फॉर्म भराता है, बट दूसरे के लिए नहीं भराता है ना। और यहाँ हम उनका डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, कौन सा, आधार कार्ड। आधार कार्ड नाम यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ भी आधार कार्ड लिख देंगे, यहाँ भी आधार कार्ड लिख, तीनों डब्बों में हमें आधार कार्ड ही लिखना है, क्योंकि हम आधार कार्ड ले रहे हैं, आधार कार्ड के आधार पर ही पैन कार्ड बना रहे हैं। और यहाँ पे उनका नाम डालेंगे, वैसे मान लो जो भी है, मैं सिंपली लिखता हूँ, ये उनका नाम डाल दिया हमने, और यहाँ हम डाल दिया मान लो उनका विलेज नेम, यहाँ विलेज नेम हो गया उनका, ठीक है। और यहाँ नीचे हम डेट डाल देंगे, और यहाँ इस डब्बे में हमें सिग्नेचर कराना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्म मतलब काले पेन से भरने के बाद में हम इसे 200 DPI में स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आधार कार्ड अटैच करने के करेंगे इसके साथ, ठीक है। और तीनों पेज का एक ही PDF बना लेंगे, है ना, एक ही PDF बना के और इसे अपलोड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमें यह केवल मात्र पेन का इसका फॉर्म भरना देखना था, वो हम देख चुके हैं। थैंक यू।